अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग कंपनीज कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन ज़ाफ़रानी कौरमा। तो आ चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन ज़ाफ़रानी कौरमा बनाने के लिए हमको चाहिए, एक पैन के अंदर मैंने डाल दिया था 1/4 कप ऑयल। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 kg मटन, और अभी मैं मटन को अच्छे से फ्राई करूँगी। अभी आप लोग देख सकते हैं मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अब मैं दोबारा अच्छे से फ्राई करूंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं मटन और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 teaspoon भर के कोरमा मसाला। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें चला जाएगा 1 teaspoon सॉल्ट, और 1/2 cup योगर्ट। मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। अब इसके साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर 1/4 cup ऑयल इस वजह से शामिल किया था कि मैं बाद में इसमें 1/2 cup घी भी ऐड करूंगी। अब ये आप लोग देख सकते हैं सारे मसाले और गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 medium size का प्याज था, इसको मैंने पहले से ब्राउन करके रखा था, ये मैं डाल दूंगी। और अब इसको प्याज के साथ भी थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। अब ये आप लोग देख सकते हैं सब सारे मसाले और गोश्त वगैरह की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 से 3 cup पानी गोश्त गलने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और बस अब मैं इसको गोश्त के गलने तक पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एक गरम मसाला बनाया है। 1 बड़ी इलायची के दाने, 2 छोटी इलायची के दाने, 1/4 जायफल और 1 टुकड़ा जावित्री का, इनको मैंने इस तरह से करके पीस लिया था। अब ये आप लोग देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 tablespoon आमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर। अच्छे से मिक्स करूंगी। अब चला जाएगा इसके अंदर 1/2 cup घी, हाफ कप घी चला गया इसके अंदर। ये जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था ये भी चला जाएगा इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब ये आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़े से पानी में ज़ाफ़रान भिगो के रखा था, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी कोरमा एसेंस, बस 3 से 4 drops। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन बस 3 से 4 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी।
जी व्यूअर्स, अभी आप लोग देख सकते हैं मटन ज़ाफ़रानी कौरमा बनके तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार मटन ज़ाफ़रानी कौरमा बनके बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।